छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे गांव में जाकर दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। इस पर उनका कहना है कि दरबार में आने वाले लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसलिए हम खुद लोगों के पास जाकर पर्चा बनाते है ताकि उनको सुविधा हो और यह दरबार निःशुल्क है और रामकथा से जो धन मिलता है उसे हम गरीबी की बेटी के शिक्षा के लिए व शादी के लिए खर्च करते हैं। ऐसे ही उनके दरबार का एक चमत्कार हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। माता जी तुम जाओ, ये भभूति लो साथ में, मालिश करो, झटका भी बने थे मिर्गी के दौड़ा भी ये आओ, झटका आओ शरीर में, बालाजी कृपा करें, शक्ति पर और तेज, शक्ति का प्रभाव और तेज किया जाए, और तेज किया जाए। और तेज किया जाए शक्ति का प्रभाव। दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, हाँ दूसरे वाले पैर में, हाँ 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 अब दोनों पैर। ये है बालाजी की दया, कोई उसे छू नहीं रहा, ना कोई पकड़े है। मीडिया वाले तो कवरेज कर रहे हैं, कोई पकड़े हैं क्या? काऊ ने पैर तो नहीं छू हुआ। अब दोनों को एक साथ, दोनों पैरों पे एक साथ,